ये सोचा कहाँ था कि होठों से ये मुस्कुराहट चली जाएगी, कि जिस पल में रखी हंसी थी उसी पल की आहट चली जाएगी। चादर की सिलवटों की तरह तू है जिंदगी, जो हो नहीं सका है निभा तू है जिंदगी। तो कौन है तेरी ये? ये मेरी मॉम है। तुम इस दुनिया की उन चंद लोगों में से हो जिसको नॉर्मल लाइफ बर्दाश्त नहीं होती है। तुम चाहते ही नहीं हो कि कोई तुम्हारी परवाह करे। मैंने नहीं कहा था कि इनको जेल भेजो मुझे छुड़वाने, और तुम खुद सोचो मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई होगी कि ये कहते हुए कि ये मेरी माँ है। और मेरी किस्मत की चादर इस बार ऐसी चाक हुई है कि दुनिया का कोई रफूगर इसके ऐब नहीं छुपा सकता। उस पर पहले ही जगह जगह पैबंद लगे हुए थे, बनाने वाले ने मेरी किस्मत बनाई ही ऐसी है। कह सकती हैं, बिल्कुल कह सकती हैं। आपकी तरह ये अमीरी की जिंदगी के साथ समझौता करना ना बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं। जो हो नहीं सका है निभा तू है जिंदगी। आप कुछ खा नहीं रही? भूख नहीं है मुझे। खैरियत? आपसे मतलब? तमीज से बात करो। आप अपनी तमीज का नाटक ना रहने दें। सब दोगले हैं यहां पे। कोई शख्स इस टेबल पर एक दूसरे से मुखलिस नहीं है, खास करके मेरी बहन। इसके तो इतने रंग है कि ये खुद भी नहीं जानती। हमारे घर में माजिद भाई से मिलती है ये। ऐसा नहीं है। तुम्हारी बहन खुद कह रही है। और जो आपका बेटा कह रहा है? ना समझ, कम उम्र, अपनी गलती का अजाला करने की कोशिश कर रहा। आपसे तो ज्यादा ही समझदार है। रिश्तों को निभाना चाहा फिर भी अपने बेगाने, घर में सारे रहने वाले खुशियों से ही अनजाने हैं। दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या कर रहा हूं मैं? सोफिया क्या तो बोल रहा हूं? नहीं मम्मा, मैं सोफिया की जिंदगी पर बात कर दूंगा। आप परेशान मत होना, मैं हूं ना, नहीं भूलूंगा आपको मैं कभी भी। नहीं होता मम्मा मुझसे। बहुत अच्छी है मिस सोफिया। मिस सोफिया ने मुझे मुझसे ही लड़वा दिया है।
ये सोचा कहा था कि होठों से ये मुस्कुराहट चली जाएगी। चले कि जिस पल में रखी हंसी थी उसी पल किया हट। कुछ गलत कर दिया क्या? चली जाएगी। बहुत डिफरेंट लग रही हैं। डिफरेंट? हाँ डिफरेंट। जाने क्यों खिलते हुए आंगन सुने हो जाते हैं, मुट्ठी में समेटे हुए लम्हे कहाँ खो जाते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बार बार ये मत कहा करो कि तुम चले जाओ, ये पिछली दफा की तरह नहीं होगा जैसे कोर्ट में हुआ था। मुझे तो इस जज की समझ नहीं आती कि समन क्यों नहीं करती। जान छोड़े हम एक दूसरे की, तुम शादी करो और मैं अपने बच्चों को संभालूं। आप नहीं करेंगे दूसरी शादी? तीसरी शादी नहीं करूंगा, दो ही काफी थी मेरे लिए। तो बच्चे कौन संभालेगा? मैं संभाल लूंगा अपने बच्चों को। अपने ना भी कहते तो बच्चे आप ही के रहते। मैं जान चुकी हूँ कि मैं सौतेली माँ ही हूँ। मेरे बच्चे और मैं भी जान चुके हैं कि तुम उनकी सौतेली माँ हो। जिंदगी में एक खला तू है जिंदगी, इस जिंदगी में एक खला तू है जिंदगी। जो हो नहीं सका है निभा तू है जिंदगी। आप? हाँ, मुझे आप लोगों से बात करनी है। लेकिन घर पे तो कोई नहीं है। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है। कैसे मैं बात मुझे तुमसे करनी है। अच्छा, आइए। जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो वो अपना सब कुछ अपने शौहर के हवाले कर देती है। उसकी सारी कायनात बदल जाती है और उस दिन मर्द भी उस पर अपना हक कायम करता है, अपनी हुकूमत कायम करता है। औरत एक मर्द के लिए उसकी सल्तनत बन जाती है और वो खुद उस सल्तनत का बादशाह। तुम जानते हो कि एक लड़की अपना सब कुछ मर्द को क्यों सौंप देती है, क्यों उसको अपना बादशाह मानती है? क्योंकि वो उसमें अपनी पनाह ढूंढती है, ताकि जब सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए ना, तो वो एक मर्द उसके हक में खड़ा हो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो मुनसिफ? तुम तो अजनबी ही हो गए। जो पनाह तुमने उसको दी वो भी छीन ली उससे। अब इस वक्त जो तुम्हारे अंदर आग है उसको दबाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी इज्जत दरबदर ख्वार हो रही है और तुम यहां अपने आप को संभाल रहे हो। वो मुंतजर है तुम्हारी,
मुनसिफ के इंसाफ की मुंतजर है। मेरी माँ, मेरी माँ की नाफरमानी करती, उनका हाथ जलाया था। माफी मांग लेगी, पैर पड़ लेगी, गलती हो गई बस, और तो कोई शिकायत नहीं है ना? माँ, माँ नहीं मानेंगी। मुनसिफ, तुम एक बेटा होने के साथ साथ एक शौहर भी हो। एक बेटे का हक निभाकर शौहर के हक की कुर्बानी देकर तुम किसको राजी करो? खुदा को। अल्लाह ने भी एक लड़की को हुकूक दिए, तुम कैसे छीन सकते हो? क्या खुदा खुश होगा? बोलो, माफ करेगा तुम्हें? एक अच्छे मर्द बनो, अपनी माँ और बीवी दोनों को खुश रखो। सनिया, मुझे बोलने दो। सनिया, मैं तुमसे माफी मांगने आया, मुझे माफ करोगी? मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, हर शर्त पर राजी हूं मैं। मैं नहीं रह सकता हूं तुम्हारे बगैर, प्लीज। मेरी कोई शर्त नहीं है, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। मैं खाला के कदमों में गिर जाऊंगी, लेकिन आपका साथ चाहिए मुझे बस। किसी के कदमों में नहीं गिरोगी तुम, क्योंकि तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी किसी के भी कदमों में नहीं गिरने दूंगा। आई प्रॉमिस। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं नाश्ता बना रही थी आपके लिए। कब आई तुम? रात को देर से। तुमसे उम्मीद भी यही की जा सकती है कि तुम चोरों की तरह घर में दाखिल होगी। आप नाश्ता नहीं करेंगी? नहीं। लेकिन आपको तो आदत है ना सुबह सुबह नाश्ता करने की। तुम्हारा क्या भरोसा, नाश्ते में जहर मिला दियो? कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, मुझे अपनी गलतियों की बहुत सजा मिल चुकी है, आप भी माफ कर दें मुझे। सजा तुम्हें कम मिली है और मिलनी चाहिए। तुम जैसी लड़कियों को घर बसाना आता ही नहीं है, बस बचपन में आशिकी कर लो। मेरे बेवकूफ बेटे को मजीद बेवकूफ बना के फांस दिया, अब क्या चाहती? सास ससुर घर सब मर जाए तुम्हारी बला से? नहीं नहीं खाला, ऐसी बातें तो ना करें। ऐसी ही बात है, हाथ जलाने से पहले तुमने सोचा नहीं इसका क्या नतीजा निकलेगा? तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे ही आग लगा दो। खाला, आप तो बचपन से मुझे अपनी बेटी समझती हैं, आप अपनी बेटी का घर तोड़ देंगी? तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ सही हुआ। अगर आपकी सगी बेटी होती तब भी आप ऐसे ही कहती? अगर तुम मेरी सगी बेटी होती तो ऐसी ना होती। खाला, देखिए मुझसे बहुत बहुत गलतियां हुई हैं, मैं जानती हूं, उसकी सजा भी मिली है मुझे बहुत ज्यादा। देखिए, मैंने आपका हाथ जलाया था ना, आप अगर चाहें तो आप मेरा भी हाथ जला दें, मैं उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन प्लीज मेरा घर ना जलाएं, मैं नहीं रह सकती। मैं मुनसिफ के बगैर, इस घर के बगैर, आपके बगैर मैं नहीं रह सकती। तो ये तुम्हें सब कुछ पहले सोचना था ना? अगर आज मैं तुम्हें माफ भी कर देती हूँ तो कुछ दिनों के बाद फिर तुम्हारा रवैया बदलकर तुम्हारे वही तौर तरीके हो जाएंगे।
तुमसे कुछ बईद नहीं है कि मैं गलियों में भीख मांगती नजर आऊं? हाला ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और देखे अभी जो मैं यहाँ आई हूँ, मुझे मुनसिफ ने मजबूर नहीं किया, उसने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ अपनी मर्जी से यहाँ। खाला मुझे एहसास है इस बात का, मैंने अपनी छोटी सी अना को बचाने के लिए अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। और खाला ये आपका घर है, मुनसिफ आपका बेटा है, और मैं आपके घर में आई कुछ छीनने नहीं आई हूँ। अब मैं यहाँ अगर आप अपनी खुशी से मुझसे कुछ बांट लेंगी तो मैं उसे कबूल कर लूंगी। बस मैं जानती हूँ मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, बस आप मुझे माफ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो सनिया, मुझे कोई शौक नहीं बेटा अपने बेटे का घर तबाह करने का। माना कि मैं पैसे लेकर रिश्ते करती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे के जज्बात की कीमत नहीं लगाऊंगी। तुमने खुद अपने कदम पीछे कर लिए और तुम वो सनिया हो ही नहीं जिसे मैं ब्याह कर लाई थी। तुम तो अपने दिल में मेरे लिए बुख्स लेकर इस घर में दाखिल हुई हो। तुम्हारी नजर में हम सब हकीर हो गए थे। देखो बेटा, घर का काम औरत का जेवर होता है, मैं अपना वतीरा कैसे छोड़ देती? मैंने तो सबील की, आज तुम अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रही हो। बेटा मैं भी तुम्हें ना समझ कर लूंगी। मेरी बेटी, बच्चे नजर नहीं आ रहे। आज छुट्टी है ना? ये तुम्हारा? नहीं, मुझे मेरा मिल चुका है, ये आपका है। क्या है इसमें? इस खत में लिखा है कि ये हमारी आखिरी चाय है। ये तो कोर्ट से है। जी यही तो कह रही हूँ कि ये हमारी आखिरी चाय है। तुम मुस्कुरा रही हो। अब मुझसे मातम मनाया नहीं जाता। मतलब तुम फैसला कर चुके हो? नहीं, मैंने आपके फैसले पर सब्र कर लिया। तुम अब भी अगर सच्चाई बता दो और माफी मांगो तो मैं अपने फैसले पर गौर कर सकता हूं। सच्चाई मैं आपको बता चुकी हूं, माफी मैं मांगूंगी नहीं। रहा सवाल आपका मुझ पे एतबार करने का, उसके लिए मैं मजीद कोशिश नहीं करूंगी। ठीक, एक दो दिन और बर्दाश्त कर लूं। जी नहीं, मैं आज शाम को ही वापस जा रही हूं। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अब कोई किसी को नहीं रोकेगा। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। सुनिए जरा जल्दी से जाकर सूजी ले आए, थोड़ी सी हलवा बनाऊंगी। सुन रहे क्या कह रही हो? हलवा किस खुशी में बना रही? अरे खुशी, ऐसी वैसे खुशी, बहुत ही मुबारक दिन है आज का। मैं सुबह उठी ना तो सनिया का फोन आया कि वो अपने घर पहुंच चुकी है। शमीम से भी बात करवाई उसने, बहुत खुश थी वो, इसीलिए मैंने सारे घर को बुला लिया आज रात को खाने पर। ये सिर्फ हूँ रूखा सूखा, मैं तो समझी थी आप बड़े खुश होंगे।
आज मैं सुबह सोके उठा तो सोफिया का फोन आया, वो भी वापस आ रही है घर हमेशा के लिए। तेरा शुक्र है, एक दिन में इतनी खुशियां। वाकई में जब अल्लाह ताला देता है ना तो छप्पर फाड़ के ही देता है। वाह, तुम्हें इस बात पे खुशी हो रही है सलीमा? क्यों, आप भी तो ये चाहते थे। चाहता, क्योंकि मेरे सामने तुम लोगों ने मंजर ही ऐसा पेश किया कि मुझे लगने लगा कि शायद सोफिया भी यही चाहती, मगर दिल मान के नहीं दे रहा। खामखा परेशान होते रहते हो। देखिए, सोफिया आएगी तो चंद दिन में उसकी शादी हो जाएगी माजिद से, और वो भी तो दिल से यही चाहती है ना। और चंद दिन यहाँ रहेगी, वो मुश्किल से अलग झपकते में गुजर जाएंगे। ये कैसी खुशी है जो चेहरे से अफसोस की तरह जाहिर हो रही। ओफो भाई, आप जाए मुझे सूजी ला के दे, हलवा बनाना है मुझे। जाए। अगर तुमने अपने रास्ते नहीं बदले ना तो तुम भी, तुम पागल तो नहीं होगी? हो भाई, हूँ तुम्हारा मैं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता सायरा। किस्मत अगर बुरी हो ना तो अपनों को पराए होने में कोई वक्त नहीं लगता। जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। बशीर, क्या हुआ? तुम जानती हो क्या हुआ? नहीं। साहद को माउथ कैंसर हो गया सायरा। अगर तुमने अपने रास्ते नहीं बदले ना तो तुम भी, तुम पागल तो नहीं होगी? हो भाई, हूँ तुम्हारा मैं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता सायरा। तुम और छोड़ दो, बुखार भी ना छोड़ो तुम, यू आर एडिक्टेड। मामा की कसम मैंने सब कुछ छोड़ दिया सायरा, कैंसर मुंह फाड़ के बाहर आ जाता है, सारा मुंह गल सड़ जाता है, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता। ऐसे क्या देख रहे हो तुम मुझे? तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं आता। मैं मामा की झूठी कसम नहीं खाता सायरा, तुम्हें पता ही है। मुबशर, तुमने झूठ बोल बोल के मैं सोफिया को मेरे सामने गंदा करने की कोशिश की, मगर वो मेरे सामने गंदी नहीं। और दूसरी तरफ मैं सोफिया तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए अपने साथ झूठ में बदल रही हूँ, वो तुम्हों के अच्छे ही नहीं होंगे तेरे। मैं सोफिया के साथ कुछ नहीं करना चाहता अब। कर भी नहीं, वो जा रही। क्यों? क्यों? इस क्यों का जवाब तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस लड़के का दिमाग ठीक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगा ये।
क्या हुआ माँ? हुआ ही आप? क्या कहा शमीम फूफू ने? हाँ हुआ ही, पैसे वापस कर दिए उन्होंने। पैसे वापस कर दिए? क्यों? शमीम कहती है कि मैं अब ये काम नहीं करती हूँ, उसने ये काम करना छोड़ दिया है, और वैसे भी सनी आज अपने घर वापस आ रही है। ये क्या बात हुई हमें? आपने तो कहा था कि वो तब तक सनिया को वापस नहीं आने देंगी जब तक सोफिया अपने घर नहीं आ जाती। पैसे लेके हर काम करा के दम लेती हैं, क्या हुआ उन सब बातों का? देखो मैंने अपनी पूरी सी कोशिश की है। जी नहीं, अगर आपने पूरी कोशिश की होती तो ये नतीजा नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई बाजार में बिकने वाली चीज है जो खरीद कर तुम्हें दे दूं? बस बहुत हो गया। नहीं हुआ बहुत, और तब तक नहीं होगा जब तक वो मेरे आगे घुटने नहीं टेक देती। पहले मोहब्बत थी, अब मेरी जिंदगी का मकसद है। अम्मी एक रात जेल में काटी है मैंने उसकी वजह से, उसकी जिंदगी का एक एक दिन मैं जेल जैसा बना दूंगा। हद होती है बेवकूफ बनने की, लेकिन तुम्हें तो शौक है ना बेवकूफ बनने का। अरे दिल हट गया मेरा उस लड़की की तरफ से, और अदावत की भी कोई इंतहा होती, अरे दफा करो उसे, हजारों लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी। मगर नहीं, तुम्हें तो शौक है ना दो बार तलाक याफ्ता को इस घर में लाने का, तो जाओ जाके कर लो शौक पूरा। और वैसे भी सूफिया आज अपनी माँ के घर वापस आ रही है, शहीन ने भी निकाल दिया उसे। जाओ जाकर उठा लो दूसरों की उतरन और पहन लो, मैं नहीं दे सकती अब तुम्हारा साथ। फैनी कुछ ही दिनों की बात है बेटा, मैं आ जाऊंगी फिर। मामा मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता वापस नहीं आएंगी। अच्छा देखो मैं फेरी बन के आऊंगी हर रोज, और फिर हम एक साथ आसमान की सैर करेंगे। मामा ये फेरी वेरी कुछ भी नहीं होता, मैंने इतनी दफा ट्राई कर लिया लेकिन मेरे पास एक भी फेरी नहीं आई है। फैनी देखो चंद दिनों की बात है, प्रॉमिस मैं वापस आ जाऊंगी और रोजाना इस विंडो के बाहर खड़ी होंगी सिर्फ तुम्हारे लिए। फैनी प्लीज ऐसा मत करो। हाँ क्या हुआ? अफसोस हो रहा है? अब अफसोस करने से बेहतर है कि तब सोचकर कदम उठाती। तब सोच समझ के फैसला नहीं किया था, अब सोच समझ के कदम उठा रही हूं। मेरा सामान पैक हो चुका है। मैं अभी यही कहूंगा, तुम अपनी गलती का इतराफ कर लो तो मैं अपने फैसले पर गौर कर सकता हूं। कमजोर फैसले नहीं करती मैं, और मैं बार बार एक शख्स से उसी गुनाह की माफी नहीं मांग सकती जो मैंने नहीं किया। अब तुम अपनी झूठी अना का साथ दे रही हो। हाँ दे रही, मगर आप किस चीज का साथ दे रहे? मैं एक गैरतमंद शख्स हूं, बार बार एक गुनाह से आंखें बंद नहीं कर सकता। मैंने बहुत कोशिश की है फैनी को बहलाने की, अब सो चुकी है। उसके जागने से पहले मैं यहां से चली जाऊंगी। कौन लेने आ रहा है तुम्हें घर से?
कोई भी नहीं। क्यों, तुमने इत्तला नहीं दी किसी को? दी थी, मगर वो भी आपकी तरह मुझे गुनाहगार तसव्वुर करते हैं। सब लोग एक वक्त में गलत नहीं हो सकते। किस्मत अगर बुरी हो ना, तो अपनों को पराये होने में कोई वक्त नहीं लगता। घर छूट रहा है, रिश्ता टूट रहा है, सब कुछ तुम्हारे हाथ से जा रहा है, लेकिन तुम फिर भी टस से मस नहीं हो रही हो। आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें, सोच लो। मत दे, बहुत मौके दे चुके हैं आप मुझे, अब मत दे। ये लो मेनास, ये बैग्स नीचे रखा, मैं आती हूँ। ये घर ही मनहूस है, पहले सायका बाजी चली गई थी और आज आप जा रही हैं। पता नहीं साहब जी और कैसे खुश होते आपसे। इसमें साहब का कोई कसूर नहीं है, बस ये समझो कि मेरी किस्मत में इतना ही था इस घर में। चलो जाओ नीचे, शाबाश, इस घर का ख्याल रखना। बस तायरा, इतना मत रो वरना मैं भी रो पड़ूंगी। मैंने आपको बहुत गलत समझा, आपको टॉन्ट किया, आई एम वेरी सॉरी। इस घर में अगर मुझे कोई समझा है ना, तो वो तुम ही हो। नहीं, मैं मुबशर की बातों में आ गई। I'm so ashamed of myself. मैं वो ही समझने लगी जो बाकी सबने समझा। हाँ आ गई थी, लेकिन थोड़े से वक्त के लिए। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं मुबशर को समझाऊंगी। उसको गिल्ट है, मैंने उसकी आंखों में गिल्ट देखा है, वो पापा के सामने सब सच बोल देगा। नहीं सायरा, तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत तकलीफ तो होता है जब अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ करना पड़ता है, तो बस रहने दो। ये सोचा कहां था कि होठों से ये मुस्कुराहट चली जाएगी, कि जिस पल में रखी हंसी थी उसी पल की आहट चली जाएगी। रिश्तों को निभाना चाहा फिर भी अपने बेगाने सारे, रहने वाले खुशियों से ही अनजाने हैं। पानी की हथेलियों पे लिखी हो कहानी जैसे, कैसी कैसी उलझने हैं, कैसे कैसे अफसाने हैं।
सोफिया सामान रख लिया अपना अंदर? रख लिया। अच्छा किया, थोड़ी देर आराम कर लो तुम। वो शाम को सनिया का पूरा घर हमारे घर आ रहा है ना, तो तीन चार चीजें बना लेना खाने के लिए। अल्लाह अल्लाह करके बच्ची का घर बसा है ना। ठीक है सोफिया, मुंह क्यों फुला रखा है? यूं ही दे तो चुकी हो तुम सजा माजिद को। सच्ची बात है, हमें बड़ा गुस्सा आया था तुम्हारी हरकत पर, लेकिन अंजाम भला तो सब भला। माजिद पर बहुत असर हुआ है, सारी जिंदगी दब के रहेगा तुमसे। कोशिश करूंगी कि कल उसको बुला लो, फिक्र न करो। क्या है, इतना घूर के क्यों देख रही हो मुझे? सुना था कि जब बच्चा बोलने लायक नहीं होता तो माँ दिल की बात समझ जाती है। यहाँ मैं इतनी बड़ी जीती जागती चीखती चिल्लाती आपके सामने खड़ी, मेरी माँ मेरे दिल का हाल क्यों नहीं समझती? इसलिए कि तुमने बहुत चला लिया अपने, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझ गई? तीन बच्चों की माँ बनकर शौहर की गुलामी करने का बड़ा शौक है तुम्हें, हद होती है। नहीं नहीं शमीम, तुम्हें मजीद माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ना, बर्तन भी साथ साथ रखे हो तो टकरा जाते हैं ना, फिर हम तो बहने, ये शुक्र करो हम लोग टकराए किन टूटे नहीं। यकीन माने बाजी, मेरा दिल तो यहाँ आने के लिए बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो सनिया है ना, बस ये बहुत जिद्दी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब तो गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं अपनी दोनों माओं को एक साथ देखने की कुछ भी कर सकती हूँ। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। भाई साहब, आपसे तो मैं नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं रही हूँ। आपको मेरी वजह से घर आकर शहाब से दरख्वास्त करनी पड़ी, प्लीज मुझे माफ कर दें उसके लिए। कैसी बातें कर रही हो शमीम, तुमसे अभी सलीमा ने कहा ना कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी छोटी बहन की तरह, और मुझे तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि मेरी बेटी अपने घर लौट गई। बस सोफिया की फिक्र खा रही है मुझे। किस बात की फिक्र है आपको सोफिया की? माजिद आ रहा है ना कल, वो तैयार है शादी के लिए। सोफिया घर आ चुकी है और माशाल्लाह सनिया अपने घर जा चुकी है, तो परेशानी किस बात की है? यूं ही मुझे भी ना, उन्होंने कई फोन किए, हाजरा ने और माजिद ने, लेकिन बाजी मैंने उनके फोन उठाने बंद कर दिए। बस मैंने सोचा आप जाने और वो जाने। हाँ बिल्कुल ठीक किया तुमने, अब माजिद मुझी से बात कर रहे हैं ना, तुम अपना काम कर चुकी। मुंसिफ बेटा, तुम क्यों इतने खामोश बैठे हो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं खाला, भूख बहुत लग रही, लेकिन भूख लग रही। चलो भाई खाना लगवाते हैं, आप लोग बैठे मेज पर, ला रहे हैं खाना। मेज पर बैठते हैं। जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी।